प्रदेश में कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। साल 2020 भी अलविदा कहने वाला है और नया साल 2021 दस्तक देने की तैयारी में है। दिवाली और अन्य त्योहारों की तरह क्रिसमस और नए साल के जश्न पर भी कोरोना का साया मंडराने लगा है। प्रदेश में कोरोना के संकट को देखते हुए शिमला के रिज मैदान पर स्थित ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्च में भी क्रिसमस के मौके पर कोई भी रात्रि कार्यक्रम नहीं होंगे। प्रदेश में लगे रात्रि कर्फ्यू और अन्य बंदिशों को देखते हुए चर्च प्रबंधन ने बैठक की है और क्रिसमस के मौके पर होने वाले कई कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। क्राइस्ट चर्च के पादरी सोहनलाल ने बताया कि कोरोना के चलते प्रदेश में सरकार ने रात्रि कर्फ्यू लगाया है, जिसके चलते क्रिसमस पर कोई रात्रि कार्यक्रम नहीं होगा। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि इस समय पूरा विश्व COVID-19 से, कोरोना वायरस से लड़ रहा है और काफ़ी एरिए में जहां इन्फेक्शन ज़्यादा है वहां लॉकडाउन भी है, और हमारे भी हिमाचल में क्योंकि शिमला हाई रिस्क पे है और नाइट कर्फ्यू भी है। ये सारी बातों को देखते हुए कि हम इस कोरोना के साथ कैसे अपने त्योहारों को मनाते हैं, तो उसके लिए जो हमने मीटिंग की है उसमें हमने ये जो हमारे एक तो ये थे कि नाइट प्रोग्राम जितने हमारे थे उनको हमने सब कैंसिल किया क्योंकि कर्फ्यू के कारण, क्योंकि आना जाना मूवमेंट ठीक नहीं है। और दूसरा जो हमारे कैरल सिंगिंग ग्रुप जो लोग इकट्ठे होकर घर घर जाके बधाई संदेश देते थे, क्रिसमस कैरल गाते थे, इस बार वो हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि लोगों को लेके किसी के घर में जाए और कहीं भी अगर कोई एक भी कर्नवाल का कैरियर हुआ तो बहुत लोग इन्फेक्ट के। और उसके लिए जो कैंडल लाइट सर्विस हम करते थे उसको हम अर्ली करेंगे 4:30 बजे से, 21 तारीख को 4:30 बजे से 5 बजे, 5:30 बजे तक हम यहाँ पर कैंडल लाइट सर्विस अपनी करेंगे, जिसमें भी लोग 50 से भी कम होंगे ताकि ज़्यादा भीड़ ना हो और थोड़े लोग ही उस प्रेयर में आएंगे। और 24 की रात को जो हम मिड नाइट सर्विस यहाँ करते थे, इस बार हम वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसे कर्फ्यू के कारण। तो 25 की जो सुबह हम अपनी आराधनाएँ यहाँ 9:30 बजे जो हिंदी सर्विस होगी और 11 बजे हिंदी सर्विस होगी, और उसके बाद जो हमारा प्रीति भोज हर बार होता था इस बार वो नहीं कर रहे हैं, और इसके बजाय प्रीति भोज के बजाय कुछ प्लान कर रहे हैं कि हम कुछ ड्राई राशन उन गरीब लोगों को बांटे ताकि जिनके वो भी अपने घरों में उस राशन खाना खा सके और अपनी आनंद और खुशियाँ वो भी मना। राशन वगैरह तो चर्च की हम करेंगे बाहर से भी और अंदर से भी, लेकिन जैसे पब्लिक के लिए लास्ट ईयर खुला था तो पूरी पब्लिक आई थी और पूरा दिन पूरी भीड़ थी, इस बार हम वो नहीं करेंगे, हम लॉक कर देंगे गेट ताकि लोग वहीं से ही प्रेयर करके अपने गेट से ही आके वहीं से प्रेयर करके वहीं से चले जाएं ताकि अंदर आके भीड़ ना हो, वो प्रिकॉशन हम लेंगे। तो इबादत जो हमारी प्रार्थनाएं होंगी उसमें लिमिटेड लोग होंगे, उसमें हम ज़्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं करेंगे, जैसे कि 50 या उससे कम ही लोग होंगे, उससे ज़्यादा लोगों को हम ये नहीं करेंगे। अगर कोई ज़्यादा आते हैं तो उनको हम कहेंगे सेकेंड टाइम वो आए कि एक ही बार भीड़ ना हो। लोगों के लिए यह है कि खासकर जो क्रिसमस है वो एक आनंद और खुशी का दिन है, जिसमें हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के प्रेम को लेकर संसार में आए और उसने अपने जीवन काल में वो प्रेम लोगों के साथ बांटा दिखाया, और हमेशा उन गरीब और लाचार दबे कुचले लोगों का सहारा बने, उनके साथ रहे। और इस समय खासकर अभी पूरे हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर ये संदेश चल रहा है कि इस बार क्रिसमस गिफ्ट हम क्या दे सकते हैं, कि हम लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं इस बीमारी के तहत पे, ताकि लोग हर व्यक्ति को सेहत बख्शे, इस बीमारी से छुटकारा दे, इस कोरोना वायरस से परमेश्वर हमें राहत दे।